नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मारुति विटारा ब्रेजा के साथ में ह्यूंडई की वेन्यू को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही गाड़ियों के हम केवल पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नाउ डेज मारुति की विटारा ब्रेजा डीजल में नहीं मिलती, अब ये केवल पेट्रोल में अवेलेबल होती है। दोनों ही गाड़ियों के सेगमेंट सेम है और दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में लगभग 20,000 रुपये का प्राइस गैप है, जिस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। मुझे लगता है दोस्तों, ह्यूंडई की वेन्यू वो एक ऐसी गाड़ी है जो टाटा की नेक्सॉन के बाद में जिसने मारुति विटारा ब्रेजा को सबसे ज़्यादा बेइज्जत किया है। अगर इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों को आप देखेंगे तो फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, ह्यूंडई की वेन्यू, टाटा की नेक्सॉन और महिंद्रा की XUV300, इन सभी गाड़ियों को डिटेल से जानने के बाद में उनके फीचर्स, उनकी बिल्ड क्वालिटी, कम्फर्ट, राइड एंड हैंडलिंग, ये सारे पहलू समझने के बाद में आपको पता चलेगा दोस्तों कि मारुति की विटारा ब्रेजा इस सेगमेंट की सबसे घटिया गाड़ी है। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के पॉइंट्स क्लियर करने के बाद में मैं आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले प्राइस गैप पर भी विस्तार से बात करूँगा, जिसकी वजह से आपको ये आसानी हो जाएगी कि दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, मारुति की ब्रेजा आपको वेन्यू से ज़्यादा बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है, एक बेहतर राइड एंड हैंडलिंग, एक बेहतर कंफर्टेबल व्हीकल ये साबित हो पाती है? आपको क्या लगता है, इन दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है, क्या वो प्राइस गैप आपको ह्यूंडई की वेन्यू लेने पर, ख़रीदने पर मजबूर कर सकता है? क्या आपको लगता है कि वेन्यू के बजाय ब्रेजा ही ज़्यादा बेहतर और सुपीरियर है, या फिर आपकी राय ये है कि वेन्यू ही एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन कार है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, जिनका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल होंगे तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों ही गाड़ियां लगभग सेम हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि विड्थ में मारुति की ब्रेजा वेन्यू से लगभग 20 mm और हाइट में लगभग 35 mm ज़्यादा बड़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में। तो जहाँ पर मारुति की ब्रेजा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 105 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 RPM पर। वहीं वेन्यू में आपको मिलता है 1 लीटर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर प्रोड्यूस करता है विथ 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1500 से लेके 4000 RPM पर। दोस्तों, अब इसमें कोई दो राय या आपके जहन में कोई शंका नहीं बची होगी कि यहाँ पर इंजन के मामले में वेन्यू क्लियरली विनर साबित होती है, क्योंकि ब्रेजा का इंजन कम पावर प्रोड्यूस करता है और कम टॉर्क जनरेट करता है। हाँ, लेकिन इस बात को हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वेन्यू में 1 लीटर का जो इंजन आता है वो टर्बोचार्जर के साथ में आता है। लेकिन
वहीं पर 1.5 लीटर जो बड़ा इंजन देने की कोशिश की है मारुति ने, वो इंजन तो दिखने में और फिगर्स में बड़ा है लेकिन बेहतर नहीं है, ना ही बेहतर पावर आउटपुट और परफॉर्मेंस आपको दे पाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी के मामले में। दोनों गाड़ियां कैसी है, दोनों का कर्ब वेट हम जानने की कोशिश करेंगे, एक नज़र डालेंगे, जिसे जानने के बाद में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है और कौन ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक ब्रेजा की बात है दोस्तों, उसका वज़न है 1125 किलोग्राम से लेकर 1140 किलोग्राम तक। वहीं अगर हम ह्युंडई की वेन्यू की बात करें तो वहां पर 1058 किलोग्राम से लेकर 1372 किलोग्राम तक इसका वज़न आता है। अब आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर भी वेन्यू ब्रेजा से कहीं आगे निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ नहीं भूल सकते हैं कि वेन्यू का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। वहीं मारुति ब्रेजा का क्रैश टेस्ट हो चुका है और NCAP क्रैश टेस्ट में ये 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है। लेकिन मेरा ये मानना है, और ना कि मानना, मुझे बिल्कुल और बेहद ही यकीन है कि अगर ह्युंडई की वेन्यू का क्रैश टेस्ट होता है तो वो भी एक बेहतरीन स्कोर ला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्रेजा में जहां पर आपको मिलता है 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वही वेन्यू आपको 190mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस पर दोस्तों। तो जहां पर ब्रेजा में आपको 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, वहीं वेन्यू ऑफर करती है आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस। तो यहां पर भी मामला लगभग बराबरी का है। आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो ब्रेजा में जहां पर आपको 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है दोस्तों, वहीं वेन्यू में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, जहां पर फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो लगे हाथों माइलेज के बारे में भी जान लेते हैं। तो जहां पर वेन्यू आपको मात्र 18.20 kmpl का माइलेज ऑफर कर पाती है, वहीं ब्रेजा यहां पर थोड़ी सी आगे निकल जाती है और ब्रेजा आपको ऑफर करती है 18.76 kmpl का माइलेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर ब्रेजा में केवल आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं वेन्यू आपको 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है और इस सेक्शन में वेन्यू आगे निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द व्हील्स। तो व्हील्स के बारे में या फिर अलॉयज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से इनमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं और दोनों ही गाड़ियां आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करती हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की बात करें तो एक नज़र डालते हैं उन पर भी कि दोनों गाड़ियां आपको क्या एक साथ कॉमनली ऑफर करती हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, जो कि है दोस्तों दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs आपको मिल जाएंगी, ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगी, फ्रंट फॉग लैम्प्स भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे मुड़े तो दोनों ही गाड़ियां आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करती हैं, आपको रूफ रेल्स दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी, रियर स्पॉइलर आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती है दोस्तों, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती है दोस्तों, फ्रंट आर्मरेस्ट के साथ साथ फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, डे एंड नाइट IRVM जैसे फीचर भी दोनों गाड़ियां कॉमनली ऑफर करती हैं, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर, कूल ग्लव बॉक्स का फीचर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। साथ ही साथ में दोस्तों दोनों गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, 7 इंच एंड 8 इंच का स्क्रीन आपको म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों में मिलता है, यानी कि विटारा ब्रेजा में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, वहीं ह्युंडई की वेन्यू में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम विथ HD डिस्प्ले के साथ में आ जाता है। वहीं दोनों गाड़ियों के म्यूजिक सिस्टम में आपको बेसिक फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि AM/FM, USB, ऑक्सन, ब्लूटूथ वगैरह वगैरह, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार जैसी कनेक्टिविटी दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमन मिल जाती है। रियर व्यू कैमरा आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। सेफ्टी के मामले में मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स आपको दोनों गाड़ियां ऑफर कर देती हैं, ABS प्लस EBD और साथ ही साथ हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाता है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब ब्रेजा में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको ह्युंडई की वेन्यू ऑफर नहीं करेगी।
तो पूरी छानबीन करने के बाद में अगर सारी फीचर लिस्ट आप चेक करोगे तो एकमात्र ऐसा फीचर है जो आपको ब्रेजा में मिल जाता है, लेकिन वो ह्यूंडई की आपको वेन्यू में नहीं मिलेगा, जो कि है आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर। जी हाँ दोस्तों, मारुति की ब्रेजा में आपको आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाता है जो कि वेन्यू आपको ऑफर नहीं करेगी। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं ह्यूंडई की वेन्यू में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको दिया लेकर ढूंढने के बावजूद भी मारुति की ब्रेजा में देखने को नहीं मिलेंगे और प्राइस लगभग आप उतना ही पे करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो वेन्यू आपको ऑफर करेगी, वो है कॉर्नरिंग लैंप्स। उसके साथ में आपको मिलेगा शार्क फिन एंटीना, लेदर प्लस फैब्रिक कॉम्बिनेशन सीट अपहोल्स्ट्री आपको मिलेगी, 8 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम आपको यहां पर मिलता है विद हाई डेफिनेशन यानी कि HD डिस्प्ले के साथ में। यहां पर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड 33 फीचर्स मिल जाते हैं वेन्यू में जो आपको मारुति में देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगा, एयर प्यूरीफायर वेन्यू ऑफर कर देती है, वायरलेस चार्जर आपको यहां पर मिल जाता है, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर आपको वेन्यू में मिलेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम अलॉन्ग विद व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट का फीचर भी आपको वेन्यू ऑफर कर देती है। उसके साथ साथ आपको IRVM में टेलीमेटिक स्विचेस भी आ जाते हैं जो कि SOS, रोड साइड असिस्टेंस और ब्लू लिंक के लिए आपको हेल्प करेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको वेन्यू में देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में ज़्यादा प्राइस गैप नहीं है, उसके बावजूद भी जहां पर मारुति की विटारा ब्रेजा आपको केवल 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, वहीं पर वेन्यू आपको 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ में आ जाती है। तो हुआ ना ये फायदे का सौदा। तो ये सारे लगभग 14-15 ऐसे फीचर्स थे जो आपको वेन्यू ऑफर करती है, लेकिन मारुति की विटारा ब्रेजा में आपको ये सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर मारुति की ब्रेजा में आपको केवल 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, वहीं ह्यूंडई की वेन्यू में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी और साथ में 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है। तो ये वारंटी ऑफर कहीं ज़्यादा यानी कि 1,000 times बेटर है दैन द ब्रेजाज वारंटी ऑफर। तो यहाँ पर भी ह्यूंडई की वेन्यू आगे निकल जाती है। फीचर्स के मामले में भी आपने देखा कि कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको वेन्यू ऑफर करती है लेकिन ब्रेजा में नहीं मिलते, तो वहाँ पर भी वेन्यू ब्रेजा से बेहतर साबित होती है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जो कि है प्राइस गैप। उससे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करने वाला हूँ वो सारे के सारे प्राइसेस दोस्तों एक शोरूम कॉस्ट है और ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जहां तक ब्रेजा की बात है दोस्तों, उसका पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट ZXi ऑटोमेटिक में आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मिलेगा 11,15,000 रुपये तक का। वहीं वेन्यू का पेट्रोल SX प्लस वेरिएंट जो कि 7-स्पीड DCD के साथ में आएगा, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको मात्र 11,35,000 रुपये तक का मिल जाता है, जो कि ब्रेजा से केवल 20,000 रुपये महंगा है। लेकिन इस 20,000 रुपये में हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वेन्यू हमें सनरूफ ऑफ़र करती है, हमें एयर प्यूरीफायर ऑफ़र करती है, हमें वायरलेस चार्जर ऑफ़र करती है, 33 कनेक्टेड कार फीचर्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा और बेहतरीन बेटर सेफ्टी फीचर्स के साथ में आती है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इट ऑफर्स यू 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन जो कि आपको ब्रेजा में नहीं मिलता। ये सारे फीचर अगर आप 20,000 के सामने इसे कंपेयर करें तो आपको उनके सामने 20,000 की अहमियत बिल्कुल ही छोटी सी नज़र आएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर ह्यूंडई की वेन्यू डेफिनेटली क्लियर विनर साबित होती है, जो हमें बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, बेटर सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, बेटर इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट हमें ऑफर किया जाता है, सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर मारुति से कई गुना ज़्यादा, बेहतर मटीरियल और बेटर फिट एंड फिनिश हमको ऑफर होती है, बूट स्पेस भी हमें इसमें ज़्यादा मिल जाता है, और लास्ट में हमें 7-स्पीड DCT के साथ में जो वारंटी ऑफर वेन्यू हमें देती है वो कई गुना बेहतर है मारुति की विटारा ब्रेजा से, जो उसमें हमें देखने को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से वेन्यू इस जंग में, इस फाइट में जीत जाती है दोस्तों, और मैं अपने लिए अगर मेरी राय आप पूछें तो डेफिनेटली वेन्यू को लेना पसंद करूंगा और मैं विटारा की ब्रेजा को गोली मार दूंगा। आप क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने अपने लिए क्या चुना, अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आपने किसे झुकता हुआ नाप दिया और कौन सी गाड़ी घर लेकर आए,
इस कमेंट का और आपकी राय का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में, आज की इस फाइट में कौन सी गाड़ी जीती है आपके हिसाब से? मुझे आपकी राय का इंतजार हमेशा होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा लीजिएगा। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।